हाउ टू टॉक टू एनीवन। हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनका साथ हमें हमेशा अच्छा लगता है, और कुछ लोग हमारे वेलविशर होते हुए भी अच्छे नहीं लगते। दोनों में इतना ही फर्क है कि एक की बातें हमें अच्छी लगती है और दूसरे की नहीं। लोग हमें हमारी बातों से जज करते हैं। जैसे अगर आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं मगर कह बैठते हैं, वाओ आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, जबकि हमें कहना चाहिए, वाओ इस साड़ी में आप और भी खूबसूरत लग रही हैं। आज हम ऐसे ही 6 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हम किसी से भी कॉन्वर्सेशन करके उनके पसंदीदा बन सकते हैं। फर्स्ट, से देयर नेम अलॉट। जिस भी पर्सन का हम अटेंशन चाहते हैं उसका नाम काफी बोलना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा हमारा नाम पसंद होता है। सेकेंड, गिव अ फेवर और प्रॉमिस अ फेवर। कभी भी बात करते करते उन्हें कुछ दीजिए या कुछ देने का वादा करिए। जैसे अगर आपके पास कोई कैमरा लेंस है तो आप ऑफर कर सकते हैं कि आपको यूज करना हो तो लीजिए। ऐसा करते ही आपकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होने लगेगी। थर्ड, बी एन एक्टिव लिसनर, लर्न दी पॉज। सामने वाले की बातों को सुनिए, कुछ भी बोलने से पहले एक पॉज लीजिए। इस तरह आपको आगे क्या बोलना है वो भी सोच सकते हैं और उन्हें उनकी बात पुटअप करने का भी पूरा वक्त मिल जाता है, क्योंकि आज मोस्टली आदमी यही चाहता है कि कोई उन्हें सुने। फोर्थ, अप्रिशिएट, जेन्युइन तारीफ कीजिए। मान लीजिए आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं है तो उसे बताइए। आपके तारीफ करते ही पर्सन आपको वाइड स्माइल देता है एंड आप उनसे कंफर्टेबल हो जाते हैं। सिक्स, डोंट टेल देम दे आर रॉन्ग। मान लीजिए अगर आपको उनकी कोई बात सही नहीं लगी तो भी एक बार हाँ बोल दीजिए, फिर अपना तर्क रखिए। जैसे अगर वो हिटलर की तारीफ कर रहे हैं और आपको आर्ग्यू करना है तो एक बार हाँ कहिए कि यस वो एक बहुत ब्रेव लीडर था, मगर कितने बेकसूर ज्यूज की मौत का जिम्मेदार भी वही था। सिक्स, फ्लडी स्माइल। आपको बिल्कुल भी अंदाज नहीं होगा कि एक हंसते खिलखिलाते चेहरे के पास कितनी एनर्जी होती है। एक ब्राइट लाफ को देखकर दिन बन जाता है। सो ऑलवेज स्माइल एंड लाफ जेन्युइनली व्हाइल कन्वर्सेशंस। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बुक 92 लिटिल ट्रिक्स ऑन हाउ टू टॉक टू एनीवन से ली है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।